विदिशा जिले के घनपासोदा सिंहोदा की समस्त आशा उषा कार्यकर्ताओं का विगत 6 माह जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक आधा अधूरा भुगतान किया गया है। समस्त ब्लॉक की आशा उषा कार्यकर्ताओं की स्थिति अति दयनीय है। अपने परिवार का भरण पोषण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है एवं वर्तमान पदस्थ BCM एवं BPM का डबल कार्यभार होने के कारण वह अपना BCM का कार्य समय पर नहीं कर पा रहे हैं। BCM जिस आशय मानदेय को लेकर चर्चा करने जाती है तो हम आशाओं को संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। हमारी पेमेंट भी समय पर बनाकर नहीं देते। हम आशा उषा कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए हमारा जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक का बकाया मानदेय पूरा भुगतान किया जावे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। नहीं किया जा रहा है। जुलाई माह से नवंबर आ गया, सत्र पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक हमारा आधा अधूरा भुगतान किया जा रहा है और बताया जाता है कि ऊपर से अभी तक बजट नहीं आया है। उसी संदर्भ में हम SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं आज कि हमारा पूर्ण भुगतान किया जाए और भी हमारी 5 मांगे और भी हैं उनको पूर्ण किया जाए। आपको मिला आएगा कि हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, जो भी हमारे बस में होगा हम वो करेंगे। आप यही मैडम द्वारा यही तो ये विभागीय कमी है या गवर्नमेंट की कमी आई है? अब ये तो बता नहीं सकते हैं सर किसकी है, लेकिन ऊपर से बताया दिया जाता है कि हमने सारा पेमेंट डाल दिया है, बजट आ गया है, और इधर से बता दिया जाता है कि अभी आया ही नहीं है, आपका बजट ही नहीं आया है। क्या पूरे आपके साथ पूरे प्रदेश में बात रखी जा रही है हमारे संगठन द्वारा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।